नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और आप देख रहे हैं अखाड़ा। आग पर सियासी राग। मध्य प्रदेश के सरकारी भवनों में आग लगने की लगातार घटनाओं पर सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। रविवार को लोकायुक्त ऑफिस परिसर में आग की घटना के बाद कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस नेता इसे पुरानी फाइलों को जलाने की साजिश कह रहे हैं, तो वहीं भाजपा इसे कांग्रेस की भ्रम फैलाने की सियासत। आग को लेकर चल रहे सियासी राग पर आज विस्तार से करेंगे बात अखाड़ा में, लेकिन उससे पहले इस पूरी खबर को समझिए एक छोटी सी रिपोर्ट में। देखिए, लोकायुक्त ऑफिस में साजिशन लगी आग, कैसे होगी अब घोटाले की जांच। नेता प्रतिपक्ष का सरकार पर निशाना, सतपुड़ा वल्लभ भवन का भी यही फसाना। रविवार को भोपाल में लोकायुक्त कार्यालय परिसर में लगी आग पर अब सियासत गर्मा गई है। इस घटना को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सवाल उठाए हैं। जीतू ने ट्वीट के जरिए पूछा है कि ये प्रायोजित आग भ्रष्टाचार के सबूत क्यों जला रही है। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी आग लगने पर साजिश की आशंका जताई है। उमंग सिंघार का ये भी दावा है कि लोकायुक्त कार्यालय में सिंहस्थ की कथित गड़बड़ियों की एक फाइल भी थी। इस प्रकार से पहले सतपुड़ा भवन में आग लगी थी, कई महत्वपूर्ण फाइलें जली, कर्मचारी अधिकारियों की पेंशन की फाइलें जल गई, आज उनके परिवार पेंशन के लिए भटक रहे। इस प्रकार वल्लभ भवन में आग लगी, वल्लभ भवन में स्वच्छोदान या पूर्व मुख्यमंत्री के जो मामले थे उनपे, तो ये सीधे सीधे दिखता है कि आग के पीछे कोई ना कोई षड्यंत्र है और इसी कड़ी के अंदर लोकायुक्त में आग लगी। अब लोकायुक्त में आग लगी तो क्या सीएस की जो फाइलें थी वहां पर, जो मुख्यमंत्री उनके परिवार की इनके संबंध में जांच चल रही थी, उस जांच का बताया लोकायुक्त, क्या फाइलें सुरक्षित है कि जल गई मुख्यमंत्री बताए। तो ये सीएस घोटाले की जो फाइलें हैं, जमीनों की फाइलें हैं, इन फाइलों को लेके वहां पे अफरा तफरी मची है, जैसे तैसे सब दबाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उधर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार आया है। पार्टी का कहना है कि कांग्रेस का काम भ्रम फैलाना है, उनकी सरकार में इस तरह के कारनामे होते होंगे, इसलिए उन्हें आग में साजिश नजर आ रही है। अब हमको मालूम है कि गर्मी के समय में कई जगह ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं, दुखद है, और ये घटनाएं हुई हैं, तो इसमें लोकायुक्त जी से पूछ सकते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सीधा आरोप लगा देना ये इनकी वृत्ति में आ गया, कुछ काम है नहीं तो फालतू के इस तरीके के आरोप करके और जनता के बीच में भ्रम की स्थिति पैदा करना, तो इसलिए जांच हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और लोकायुक्त जी खुद उसको जवाब देंगे कि क्या क्या हुआ है। इस मामले में बीजेपी भी जांच के पक्ष में है, लेकिन विपक्ष न्यायिक जांच की मांग कर रहा है। एसआईटी जांच पर कांग्रेस को भरोसा नहीं है। कांग्रेस तो ये भी कह रही है कि बताने के बहाने बहुत हैं कि शॉर्ट सर्किट हो गया, ट्रांसफार्मर जल गया, लेकिन ये आग वहीं क्यों लगती है जहां संवेदनशील फाइलें होती हैं। भोपाल के वल्लभ भवन में 9 मार्च को आग लग गई थी, इसमें कई फाइलें और अफसरों के चैम्बर स्वाहा हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7। तो इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे, इसके लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। सबसे पहले हमारे साथ इस विषय पर चर्चा के लिए हैं जितेन मिश्रा जी, प्रवक्ता कांग्रेस। हमारे साथ है गुलरेश शेख साहब, प्रवक्ता बीजेपी। हमारे साथ है दिनेश गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत स्वागत है। और गुलरेश जी, पहला सवाल आपसे ही है। उमंग सिंघार जी ने जो ट्वीट किया है, जो उन्होंने पोस्ट किया है अपना सोशल मीडिया पर, उन्होंने लिखा है कि आग नहीं विश्वास जला है। आप बार बार कांग्रेस का विश्वास क्यों जला रहे हैं? कांग्रेस सवाल कर रही है कि भाई मध्य प्रदेश में सरकारी जो भवन है उन्हीं में क्यों आग लग रही है, कभी सतपुड़ा कभी बल्लभ, अब लोकायुक्त कार्यालय में आग लग गई। सोनल, जहां तक भरोसे की और विश्वास की बात है, आवाम को, मध्य प्रदेश की जनता को कांग्रेस पे कुछ तनिक भी विश्वास नहीं है, और बार बार आवाम बताती है कि वो कांग्रेस पर भरोसा नहीं करती है, लेकिन फिर भी इस प्रकार के झूठ का प्रपंच रच के कांग्रेस कुछ ना कुछ गेन करना चाहती है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि झूठ से आप कुछ गेन नहीं कर सकते, बल्कि आप खोते हो। मैं तो आगे दो तीन चीजें पूछना चाहता हूं। देखिए, सब जानते हैं कि गर्मी भयंकर पड़ रही है। आप ये कांग्रेस वाले कह
कह रहे हैं कि संवेदनशील जगहों पर ही क्यों आग लगती है जहां संवेदनशील चीजें होती हैं, तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि गुजरात में अभी आग लगी बच्चों के प्ले जोन में, वहां क्या संवेदनशील वस्तु थी? दिल्ली में जहां पर इनकी सरकार है केजरीवाल की और इनडी गठबंधन की, क्योंकि हेल्थ सेक्टर उसी के अंतर्गत आता है, वहां बच्चों के अस्पताल में आग लग गई और उसमें वहां पर कैजुअल्टीज भी हुई, वहां कौन सी संवेदनशील वस्तु रखी थी? तो जब पारा इतना ज्यादा होता है, कई बार मुझे नहीं पता कि आग का कारण क्या है, लेकिन इलेक्ट्रिक फॉल्ट्स भी होते हैं, इक्विपमेंट के फॉल्ट्स भी होते हैं, दूसरे भी कारण होते हैं, उसकी जांच की मांग करनी चाहिए। लेकिन इस प्रकार की जो तुच्छी बातें कांग्रेस करती है ना, ये आपको शोभा नहीं देती। गर्मी में कुछ हादसे होते या हादसात हुए हैं जो कि नहीं होने चाहिए थे, इसकी जांच भी बिल्कुल होगी। और फिर मैं पूछता हूं, अगर ऐसा है तो फिर वो बच्चों का अस्पताल और गेम जोन के बारे में आप क्या कहोगे? गर्मी की वजह से वहां भी आग लगी है। नहीं, मैंने एक लाइन और कही थी गुलरीज जी, उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यालयों में ही आग का दौर चल रहा है मध्य प्रदेश में, वो ऐसा बोल रहे हैं। तो इसलिए भाई गर्मी है, तापमान बढ़ा है, तो वो तो सभी के लिए बढ़ा है। कि गुजरात में एक मॉल के प्ले जोन में आग लगती है और बच्चों की कैजुअल्टी होती है, तो गर्मी की वजह से हुआ होगा, वहां पे भी जांच चल रही होगी उसके ऊपर, वहां पर कोई सरकारी दफ्तर नहीं था। अब ये तो कुछ तो भी दिल्ली में अस्पताल में होता है, उसमें तो कोई हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं दिल्ली गुजरात की बात नहीं कर रही कुलरे जी, मैं ये पूछ रही हूँ कि चलिए ठीक है, आपने कहा कि भाई लग सकती है, शॉर्ट सर्किट वजह हो सकती है, कांग्रेस कह रही है यही बहाने तो हैं बताने के लिए कि शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, तेज गर्मी है। वो ये भी बार बार कह रहे हैं कि यदि सतपुड़ा में लगी, बल्लभ भवन में लगी, तो क्या उससे सीख नहीं ली? और सरकारी दफ्तरों में जो एहतियातन चीजें होनी चाहिए, आग पर कंट्रोल करने की जो चीजें होनी चाहिए, उस तरह के इंतजाम नहीं है क्या अभी भी मध्य प्रदेश में? तो सुनल, मैं यही कहता हूँ ना कि आग क्यों लगी उसकी बिल्कुल जांच होनी चाहिए, इंतजाम में क्या कमी थी उसकी भी जांच होना चाहिए। दुनिया भर में इस प्रकार की चीजें होती हैं, विश्व के हर जगह पे होती है। गर्मी जो है ना, वो गुजरात और दिल्ली की जो पॉलिटिकल सीमा है, मध्य प्रदेश की पॉलिटिकल सीमा है जो हमने बनाई है, उसको नहीं देखती है। तो ऐसी चीजें होती है, लेकिन इस पे इस प्रकार की टुच्ची हरकतें करना, राजनीतिक टुच्चापन करना, ये शोभा नहीं देता एक राष्ट्रीय दल। ठीक है, वैसे गुलरेज शेख साहब, लापरवाही तो दिल्ली के अस्पताल में भी हुई और राजकोट में जो कुछ हुआ वहां भी, अब जो कुछ सामने आ रहा है किस तरह से वहां आग जल्दी पकड़े, उसकी सारे इंतजाम थे, तो लापरवाही वहां पर भी थी, लापरवाही यहां भी हुई होगी, तभी शॉर्ट सर्किट भी होता है। गर्मी अपनी जगह है, लेकिन गर्मी सभी जगह पड़ रही है। जितेन जी, जितना कुछ अभी गुलरेज शेख साहब ने कहा है उससे कितने संतुष्ट हैं आप, और क्यों शक कर रहे हैं कि आग जो है वो लगी नहीं है, लगाई गई है? देखिए सोनल, अभी जो गुलरेज जी ने कहा उसको मैं बिल्कुल सहमत हूँ। ये जिस तरीके के बयान आए, ये हमने पहले बता दिया था कि बयान आएंगे शॉर्ट सर्किट लापरवाही के, आने में अगर कोई ले जाता है तो निश्चित तौर पर वो हम इस्तेमाल करेंगे। किसी के यहाँ लूट हो जाती है, चोरी हो जाती है, इतना बड़ा सामान देखते हो, लेकिन जिन संवेदनशील कार्यालय में आप क्यों हर 5 साल में आग लगाते हैं, चुनाव के बाद में, चुनाव के पहले, पल्लव भवन में आग क्यों लगती है हर बार, सतपुड़ा में आग क्यों लगती है? क्या आग एक स्कूल में लगती है जहां जो आप बताया तो फायर ब्रिगेड तुरंत पहुंचती है, इन जगहों पर फायर ब्रिगेड नहीं पहुंचती, घंटों धुआं उड़ता हुआ हम देखते रहते, आप प्रयास करते रहते, सारे प्रयास आपके असफल हो जाते, जब सारा का सारा मामला जल जाता है तब आप फायर ब्रिगेड से कहते कि अब जाके सफलता मिली है, कहीं ना कहीं शक किसी आपके ऊपर उठती है। अब जब हम सवाल उठाते हैं तो आप कहते हैं तुच्छे सवाल कर रहे हैं, ये भाषा शैली भारतीय जनता पार्टी की है। मेरा ये कहना है सतपुड़ा में फाइल जल गई, सतपुड़ा में आग लगी, एक बार नहीं अनेक बार लगी, बल्लभ भवन में अनेकों बार लगी, वो जो पेंशनधारियों का रिकॉर्ड जल गया, आज उसकी भरपाई कौन करेगा? पेंशनधारी लगातार घूम रहे हैं, आपसे जब सवाल हम सदन के अंदर पूछते हैं तो आप कहते हैं कि साहब उनका रिकॉर्ड जल गया है, बाहर आप कहते हैं कि कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ है। बल्लभ भवन में क्या हुआ? बल्लभ भवन में स्वेच्छा अनुदान की फाइलें, जो पिछली सरकार और पिछले मुख्यमंत्री द्वारा गड़बड़ियां की गई स्वेच्छा अनुदान में, उसको जला करके साफ कर दिया। हम सवाल पूछते हैं तो आप कहते हैं वो लापरवाही शॉर्ट सर्किट से जल गई। क्या इन संवेदनशील जगहों पर अलग से इंतजाम नहीं होना चाहिए? क्या आपकी फायर ब्रिगेड आकर के शुरुआत में आग नहीं बुझा सकती, जब बिल्कुल राख हो जाता है जब फायर ब्रिगेड काम करती है? आज लोकायुक्त कार्यालय में जो आग लगी है निश्चित तौर पर आश्चर्य का विषय है, क्योंकि
कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री से संबंधित फाइलें वहां पर थी, सिंहस्थ घोटाले की फाइलें थी। हम सिर्फ सोनल जी एक सवाल पूछ रहे हैं कि आज सरकार ये स्पष्ट कर दे कि सिंहस्थ की जो घोटाले की फाइलें हैं, सिंहस्थ में जो जमीनों को घपला हुआ है वो फाइलें सुरक्षित है। हम मान लेंगे कि हाँ ऐसा है, और नहीं तो साजिशन लगाई गई जिस मामले में मुख्यमंत्री के परिवार का जमीन के मामले में घोटाला सामने आ रहा है, उन फाइलों को आप गिना देंगे और कलम सदन में पूछेंगे तो आप कहेंगे रिकॉर्ड तो जल गया। आज आपको ये कहने में क्या दिक्कत है कि सिंगस उज्जैन के जमीन वाली फाइलें सारी जो जांच करूंगी इसके बाद जी सुरक्षित है, इतना कहने में आपका क्या नुकसान है? लेकिन आज तक जवाब नहीं आ रहा है, क्योंकि कल जब सदन आउट होगा, जब हम उस पर सवाल पूछेंगे तो आप कहेंगे कि रिकॉर्ड जल गया। हम आज पूछते हैं, अगर वो फाइलें सुरक्षित है तो निश्चित तौर पर हादसा हो सकता है जैसा गुलरे जी ने बताया, लेकिन अगर वो फाइलें जल गई है तो ये जिसे आप हम सब प्रथम दृष्टि पाते जी। ठीक है गुलरे जी, जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए। वो कह रहे हैं इतना सही तो कहना है आके कि सिंहस्थ घोटाले की फाइल नहीं जली है। उन्होंने कहा उमंग सिंघार ने कि भाई मैं सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाऊं, और कहीं ना कहीं बीजेपी को अब ये डर सता रहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसा वैसा निर्णय दे दिया तो हम क्या करेंगे, इसीलिए सब कुछ किया गया है। गुलरेज जी सोनल, इसका उत्तर लोकायुक्त देगा, बिल्कुल देगा, हर चीज का उत्तर लोकायुक्त देगा। मैं कोई कांग्रेसी तो हूं नहीं कि कुछ तो भी डिबेट में और टेलीविजन पर आके बोल दूं कि हाँ जल गई नहीं जली, ये तो कांग्रेसियों का काम है। देखिए हम लोग बात करते हैं, पुख्ता बात करते हैं, आपको ये भी मालूम पड़ेगा जांच में कि आपके कारण क्या थे, आपको ये भी पता चलेगा कौन सी फाइलों का नुकसान हुआ है या किसी का भी नहीं हुआ है, ये सब चीजें मालूम पड़ेगी जांच में, और लोकायुक्त बताएगा। हम कैसे बता सकते हैं इस चीज को, जो कांग्रेस वाले बार बार कह रहे हैं, वो कांग्रेस वाले इस तरह से बात कर रहे हैं जैसे ये हर फाइल के ऊपर निगाह रखे बैठे थे कि इसमें क्या लिखा है उसमें क्या लिखा है इसलिए ऐसा कर दिया, ये फिजूल की बातें हैं, लोगों को बहकाने के तरीके हैं, चलने वाले नहीं है, काफी लंबे समय से कर रहे हैं और बार बार ये फेल हो रहे हैं। दूसरी बात, एक बात आपने जो पूछी ना, इन्होंने भी पूछी कि इन जगहों पर जो आग लगती है फायर ब्रिगेड का जो भी होता है, फायर ब्रिगेड आती भी है, सब कुछ होता है, लेकिन ये भी मत भूलिए सरल कि ये सारे इलाके, इनमें से बहुत सारे, चाहे लोकायुक्त का ऑफिस हो या ये सब, बहुत पुरानी बनी हुई बिल्डिंगें हैं, ये नई बिल्डिंगों में नहीं बना है लोकायुक्त का ऑफिस भी, तो वो सकड़ी जगहें भी हैं, वो मॉडर्न जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसके हिसाब से भी नहीं है, और हर चीज को शिफ्ट किया जा रहा है। तो जब आपको इतना कुछ पता है तो फिर इसमें अपडेशन के लिए किसने रोका है? अब तो इतने वक्त से है वहां पर, और बाकी सब तो तैयार हो रहे हैं, बाकी सब चीजें बन रही हैं, मंत्रियों के बंगलों से लेकर उनकी सुख सुविधाओं के लिए क्या चीजें होनी चाहिए सब कुछ, तो यहाँ किसने रोका गुलरेज जी? देखिए देश की पार्लियामेंट से लेकर नई विधानसभा से लेकर तो नए सेक्रेटरीट्स के बहुत सारे ऑफिस बन चुके हैं, अपडेशन का काम लगातार चल रहा है, और जब हम करते हैं अपडेशन तो यही कांग्रेस पार्टी उच्ची पार्टी बोलती है कि आप जनता का पैसा जाया कर रहे हो। अरे तो अब आप तो कर ही रहे ना सर, बाकी ये भी कर लीजिए जो जरूरी है, दस्तावेज रखे हैं उनको इसलिए शक हो रहा है। जितेंद्र जी मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन इससे पहले और कई सारे सवाल हैं जो गुलरेज जी से हम करेंगे इस विषय पर, चूंकि आपने जांच की बात की गुलरेज जी, तो ये भी आपसे मैं जानना चाह रही हूं कि ये उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है उमंग सिंघार जी ने कि वो तो आपकी SIT जो गठित करते हैं उस पर भी विश्वास नहीं करते, वो कह रहे हैं कि उसमें लीपापोती का काम होता है, जिस तरह से लोकायुक्त की नियुक्ति हुई उसे लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े, आनन फानन में शनिवार को हो जाती है कह रहे हैं, रविवार को उसके बाद ये आग लगती है, के मुताबिक नहीं चलती तो ये न्यायपालिका के ऊपर भी प्रश्न उठा लेते हैं, ये इलेक्शन कमीशन पर भी उठाते हैं, इन्होंने किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को बख्शा थोड़ी ना है। देखिए अभी आप देखिए नर्सिंग वाले मामले में जब CBI के ही लोगों को पकड़ती है तो इनको तकलीफ नहीं होती है, लेकिन अगर CBI क्लीन चिट अगर दे देती तो तकलीफ हो जाती। ये चाहते हैं कि जांचें भी इनके मुताबिक हो, चुनाव के नतीजे भी इनके मुताबिक आए, कोर्ट के जजमेंट भी इनके मुताबिक आए, तो इनकी बातों की कोई वैल्यू नहीं है, ये केवल भ्रांति फैलाने वाले लोग। ठीक है, भ्रांति फैलाने वाले लोग हैं। मैं दिनेश जी आपका रुख करते हुए समझ रही हूं कि कौन भ्रांति फैला रहा है, कांग्रेस फैला रही है या बीजेपी जो कह रही है कि भाई लग गई आग, अचानक से लग जाती है, गर्मी का दिन चल रहा है और किस कदर गर्मी जो है वो परेशान मध्य प्रदेश वासियों को कर रही है समझ आ रहा है, लेकिन सरकारी भवनों में ही इसकी चपेट में आ रहे हैं, उसके भी कारण दिए भाई पुराने हैं, कंजस्टेड जगह पर हैं, कितना आपके गले उतर रही है गुलरेज जी की ये बात, और थोड़ा सा ये आग लगी है या लगाई गई है इसके संदर्भ सही व्याख्या कीजिए ना दिनेश जी। सोनल
पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं उस पर हम ना जाएं, वो तो उनका काम है एक बचाव करना और आरोप लगाना। लेकिन जो दूसरी महत्वपूर्ण चीज है लोकायुक्त की संस्था, जहां ये आग लगी है, देखिए लोकायुक्त की संस्था में जो भी शिकायत होती है या जो भी दस्तावेज आते हैं, उसकी पहली चीज तो ये कि वो कह चुके हैं कि उनके यहाँ कोई फाइल जली नहीं है, लेकिन फिर भी यदि कोई ऐसे ऐसे मामले होंगे तो मुझे लगता है कि जांच एजेंसियों के पास जो फाइलें होती हैं उसको रीजनरेट करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होता, क्योंकि जो शिकायत करता है उसके पास दस्तावेज होते हैं। यदि हम फॉर एग्जाम्पल यही ले लें कि मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान का मामला है, अब मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान का जब आदेश जारी होता है तो कई स्तर पर जाता है, वो ट्रेजरी जाता है, कलेक्टर को जाता है, कई स्तर पर जाता है। ये जो सरकारी दस्तावेज होते हैं ये कभी खत्म नहीं होते, एक जगह से आ जाते हैं तो दूसरी जगह आ जाते हैं, और कोई भी ऐसी ओरिजिनल फाइल नहीं जाती जांच के लिए कि वहां जमा करा दिए कि ओरिजिनल फाइल दे दी, वो तो जैसे कोर्ट में होता है ना सर्टिफाइड कॉपी लगाते हैं तो लोकायुक्त में भी लगा देते हैं। हाँ। तो जो जो वहां का जो स्थिति है वो एक अलग तरह की, आप मंत्रालय की आपको कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये बताइए कि केवल आरोप लगाने से क्या किसी का काम पूरा हो जाता है? यदि कहीं कोई गड़बड़ी हुई है, सरकार ने छुपा ली, तो विपक्ष क्या कर रहा है? उसने क्या प्रेस में आके ये बताया कि ये फाइल जल गई, ये हमने आरटीआई में मांगी थी, इसकी जानकारी नहीं है, इसमें करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हो गया? यदि ऐसा है तो हाईकोर्ट चले जाए। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। देखिए क्या हो रहा है, केवल आरोपों की सियासत होती है जो इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। एक लोकायुक्त जो है एक ऐसी संस्था है जहां जो है उनके उनका अपना एक क्लेरिफिकेशन, उसके लिए ना तो गुलरेज शेख साहब उसकी उनकी तरफ से पैरवी कर सकते हैं कि वो उनकी तरफ से सफाई दें लोकायुक्त की तरफ से, क्योंकि ये सरकार का विषय नहीं है ना कि गुलरेज शेख सरकार की तरफ से सफाई दें कि सरकार कह रही है कि ये साहब इसमें कोई दस्तावेज नहीं है। ये तो प्रिंसिपली तो इनका भी कहना गलत है, ये लोकायुक्त के कोई ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन नहीं है। जो कहना है वो लोकायुक्त को कहना है। इस पूरी स्टोरी में हमने देखा कि कहीं लोकायुक्त का कोई वर्जन था, कोई बात आई, लोकायुक्त ने कुछ कहा, एक विपक्ष के नेता ने एक सवाल उठाया, वो तो उनका तो एक केस चल ही रहा है, ऑलरेडी चल रहा है, विपक्ष के नेता ने एक ट्वीट कर दिया कि साहब ऐसा हो सकता है। अब उस ट्वीट पर क्या लोकायुक्त को, रिटायर्ड हाईकोर्ट जज को ये लगता है कि उन्हें सफाई देना चाहिए? उनके सामने कोई चीज जब ऐसी है नहीं तब वो बोलते। और एक इस तरह के जो कई बार काल्पनिक चीजें होती हैं, जो विपक्ष में आपको सवाल खड़े करना है तो आपने सवाल खड़े कर दिए, आप सवाल से ज्यादा मुद्दे लाइए जनता के सामने। ये हम कई बार देखते हैं, केवल उन्होंने आरोप लगा दिया और उस आरोप पर चीजें होने लगी। आज तक जितनी आग लगी, चाहे सतपुड़ा भवन में लगी हो, विंध्याचल भवन में लगी हो, जितेंद्र जी आप ही का रुख करूंगी, जी जी प्लीज कंटिन्यू। किसी भी विपक्ष के नेता ने आरोप लगाने के बाद ये नहीं कहा कि हमारे पास इसके ये दस्तावेज है, ये फाइल जला दी गई। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आप अपनी आरोप लगा रहे हैं तो अपनी विश्वसनीयता के लिए उसे प्रमाणित भी करिए। ठीक जितेन जी बताइए, दिनेश जी ने भी कुछ बात कही है, भाई मुद्दे उठाइए, कह रहे हैं इस तरह से आरोप लगाने से कि ऐसा करते हैं वो वैसा करते हैं, उनके यहाँ ऐसा होता है, जानबूझ के लीपापोती की कोशिश करते हैं, चीजों को जला भी रहे हैं, छुपा भी रहे हैं, दबा भी रहे हैं। दिनेश जी वरिष्ठ पत्रकार, उनका सम्मान, उन्होंने एक बात कही कि अगर फाइलें जल जाती है तो सबूत जुटाने की जिम्मेदारी हरियाणा, मतलब हम आरोप लगाए और हम ही बताए कि तुम फाइल तो जल गई है, उसके सबूत हम ढूंढते फिरे, कलेक्टर जाए और ले जाए और उस गिराई के घर जाए और उससे लेकर के आए किसको कितना शिक्षा अनुदान दिया गया। ये काम हम लोग करेंगे जो आरोप लगा रहे हैं। हमने लोकायुक्त से क्यों नहीं बोला कि क्या किया जाए? हम सबसे क्यों बात कर रहे हैं? अरे न्यायिक जांच की बात तो सरकार को करनी है कि लोकायुक्त खुद न्यायिक जांच की बात करेगा? न्यायिक जांच की घोषणा कर दीजिए, हम आपसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे। आपने देखा किस तरीके से व्यापम जैसे घोटाले में और ये नर्सिंग घोटाले में सीबीआई जैसे जिस पर हम कभी शक नहीं करते वो इन्वॉल्व हो गई, 15-15, 25-25 लोगों को बाहर करना पड़ा, किस पर विश्वास करे? नहीं तो कार्रवाई हुई ना सर, अब अभी भी सीबीआई पे नहीं है, सीबीआई वालों ने सीबीआई वालों को पकड़ा। इसकी बात कर रहे हैं कि आप जवाब दे दीजिए कि इसकी न्यायिक जांच की जाएगी, हम संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन जब हम सदन में सवाल पूछते हैं तो आपका जवाब होता है कि फाइल जल गई, रिकॉर्ड नहीं दे सकते, तो सवाल तो उठाना पड़ेंगे ना।
अभी आप न्यायिक जांच की घोषणा की थी, हम सवाल बंद कर देंगे। ठीक, अब वो दिनेश जी ने कहा कि भाई गुलरेज शेख साहब नहीं कर सकते कि इस पर जुडिशियल जांच होगी, फिर भी पूछ लेती हूँ मैं, उनका रिएक्शन भी ले लेती हूँ। गुलरेज जी जल्दी से दो चीजें सुनल, अगर सरकार को लगता है कि जुडिशियल जांच की जरूरत होती है तो सरकार खुद कई केसेस में करवाती है, लेकिन एक उमंग सिंगा ने या फिर जितेंद्र मिश्रा ने कह दिया, इसके ऊपर स्टेट नहीं चलता और इसके ऊपर जांचें नहीं बैठती हैं। इस तरह से जांच की अगर जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल जांच होगी, जुडिशियल जांच की जरूरत पड़ेगी तो जुडिशियल जांच भी होगी, लेकिन इस तरह से मुंह चलाकर इन लोगों का अगर दिन भर ही ये करें सरकार ही चला देंगे। ये चाहते हैं कि जैसा जंगल राज इनके समय में हुआ करता था, जैसा भ्रष्टाचार इनके समय में हुआ करता था, चिट्ठी के ऊपर लिखकर लोगों की नौकरियां लगी करती थी, ये सब वापस हो जाए तो ये नहीं होगा। ये मोहन राज है डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप जो चाहते हैं वो सब चीजें व्यवस्था के अनुरूप ही चलेंगी, कानून लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से ही चलेगी। ठीक है, बहुत संक्षेप में दिनेश जी मुझे वक्त इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन एक लाइन में आपसे जरूर समझना चाहेंगे, चाहे एसआईटी गठन का मामला हो, विपक्ष विश्वास नहीं कर रहा, आग लग रही है उस पर भी उनको शक लग रहा है कि लगी नहीं है, लगाई गई है, थोड़ा इसको बता दीजिए कि वाकई मध्य प्रदेश में इसे लेकर कितनी गंभीरता से लेना चाहिए, और ये आरोप प्रत्यारोप के दौर की जो आपने बात, कितना फर्क पड़ता है, हालांकि चुनाव के नतीजे तो कुछ और ही कह रहे हैं जो अभी तक मिले हैं। संक्षिप्त, सरकार जो है इस पूरे मामले में जुडिशियल जांच कराने वाली है कौन, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफिस है, मतलब यदि आप ये आरोप लगा रहे हैं सरकार पे कि उसकी फाइलें जैसी जल गई तो फिर वो क्यों जांच कराएगी। और दूसरा, जहां लोकायुक्त का जो प्रोसेस होता है बिल्कुल कोर्ट के प्रोसेस की तरह होता है, जो केस है जिसकी सुनवाई चल रही है उसकी तारीख लगती है, उसके दस्तावेजों का आदान प्रदान होता है, इसलिए कोई भी फाइल वहां यदि जल भी गई होगी तो जो फरियादी है, जिसने कंप्लेनेंट है, फरियादी नहीं है वो बेसिकली कंप्लेनेंट है, उसके पास उसका पूरा रिकॉर्ड होगा कि कब क्या है, और जब अगली तारीख आएगी तो वो लोकायुक्त के सामने पेश कर सकता है कि ये रिकॉर्ड है मेरे पास। ठीक है, तो जितेंद्र जी आप ही के लिए दरअसल कि कोई भी यदि बात उठा रहे हैं तो उसको अंजाम तक पहुंचा दीजिए, मेहनत लगती है, आरोप लगाते तो सिद्ध भी करना पड़ता है, तथ्य भी देने पड़ते हैं, तय करने के लिए तो कोर्ट है, उस पर विश्वास करते हैं, ये अच्छी बात है, विश्वास बने रहना चाहिए, और वाकई में विश्वास किसी का जलना भी नहीं चाहिए। गुलरेज जी के लिए कह रही हूं, कहते हैं जहां आग होती है वहीं धुआं होता है, या जहां धुआं होता है वहीं आग होती है, पता नहीं क्या है मध्य प्रदेश में क्या है कि सरकारी कार्यालयों में आग लग रही है, ये सवाल बना हुआ है, लेकिन इस पर भी सरकार को ध्यान जरूर देना चाहिए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, इसे रोका जाना चाहिए। फिलहाल बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आप तीनों का वक्त देने के लिए, मुझे भी दीजिए इजाजत, नमस्कार।